नमस्कार, आपको रोनाली किचन में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केसरी बादाम सूजी हलवा की रेसिपी। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। पहले पैन में हम लेंगे एक चम्मच देसी घी। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप सूजी। इसे हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। सूजी को भूनते वक्त आप फ्लेम लो रखें और इसे लगातार चलाते रहें। देखिए, मैंने इसे 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लिया है। सूजी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं दूध। मैंने यहाँ पर 3 कप दूध लिया है। हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। जितनी मैंने सूजी लिया था उसी क्वांटिटी का मैंने शुगर ऐड किया है यहाँ पर। 1/4 कप बादाम, 15 से 20 बादाम मैंने यहाँ पर काट कर इसमें डाला है। थोड़ा सा नमक और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा केसर। अब हमें इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। पंद्रह मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और इसे फिर से ढककर लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। देखिए, सूजी हमारा पक चुका है। इसे हमें लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। सूजी हमारा गाढ़ा हो चुका है, इसे हमें और नहीं पकाना है। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। अब हम लेते हैं 4 सिलिकॉन मोल्ड। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। मैंने इस तरह सारे कप में घी लगा लिया है। अब हम इसमें हलवा डाल लेते हैं। एक स्पून से हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि शेप अच्छा सा आए। देखिए, मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देते हैं। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप एक छोटी कटोरी में इस तरह घी लगाकर उसमें भी आप हलवा सेट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह आपको कटोरी में हलवा डाल लेना है और एक स्पून से इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसे फ्रिज में रख कर सेट कर लें। देखिए, हलवा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। देखिए, सूजी का हलवा कितना सुंदर लग रहा है। आपने सूजी हलवा कई बार खाया होगा। अगर आप इस तरह कभी ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा आलमंड और केसर के धागे से डेकोरेट कर लिया है। हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you.